हाल चाल है, कैसे सब दोस्तों। तो यार मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ ये पावर बैंक के हवाले से थी ये वीडियो। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ लाइट का इतना इश्यू होता है, तो पावर बैंक वगैरह का इस्तेमाल होता है इमरजेंसी में, ट्रैवल में, कहीं भी जाना होता है। तो इस वीडियो में कुछ पावर बैंक ऐसे हैं जो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की, जिसकी इजाज़त नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव थे, जो मेरे दोस्त ने जो स्पॉन्सर किया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी गाइडलाइन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो और मुझे बताते हो, और बताना चाहते हो तो मेरे बारे में भी बताइएगा। और आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। चलो चलते हैं वीडियो को खत्म। पावर बैंक आया हुआ है 10,000 mAh का और 2 USB के ऑप्शन है। तो ये 2500 रुपये की इसकी प्राइस है। और ये पावर बैंक इस्तेमाल करता हुआ इसे मैंने भी यूज़ किया है। तो ये पावर बैंक आया हुआ 2500 रुपये का। अच्छा, आईफोन और टाइप सी के जो मोबाइल होते हैं, S9, S10 Plus, तो ये बड़े जो फोन होते हैं ना, उनके लिए पावर बैंक आया हुआ है। तो ये आपको मिलेगा 4,000 रुपये तक का, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सबसे बेहतरीन है। ये भी 10,000 mAh का फोन है, तो सॉरी पावर बैंक है। और ये भी आपको इतने ही का ही मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल फोन अभी नहीं है और इसकी कीमत है 2500 रुपये। अच्छा, अभी दूसरा आया हुआ पावर बैंक 10,000 mAh का, तो ये मिल जाएगा आपको 2,000 रुपये तक का, बिल्कुल इजीली मार्केट से। अनबॉक्सिंग में इसकी वैसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं इसकी पैकिंग नहीं खोल सकता। अच्छा, दूसरी तरफ ये छोटा पावर बैंक है, ये भी मिल जाएगा आपको 3,000 रुपये तक का, और ये बिल्कुल आपको अवेलेबल है मार्केट में। पावर बैंक है, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में 2500 रुपये तक का। ये 3,000 mAh की, इसकी भी वही टाइमिंग है, 2 USB का ऑप्शन है। चाइना का तो ये 16,000 mAh का बताता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो ये आपको जिनकी मुनासिब कीमत और जिनको रेट में सस्ते रकम में चाहिए होंगे, तो ये आपको 1600 रुपये में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इजीली। तो ये काम चलाने के लिए बेहतरीन है, गुजारा करने के लिए।